पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। के बाद स्वागत है आपका। मुजफ्फरनगर की चरथवाल थाना पुलिस और बदमाशों के बीच में उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने मुखबिर के द्वारा कुलहेड़ी गांव के जंगल में गौकशी की सूचना पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान खुद को घिरता देख गौ हत्यारों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मौके से दो गौ हत्यारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 65 किलो गौमांस, एक तमंचा, कारतूस और कटान के उपकरण भी बरामद किए हैं। दोनों गौ हत्यारों को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेजकर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज चरथावल पुलिस को कुलहेड़ी ग्राम के जंगल में कहीं गोकशी की सूचना मिली थी। इसी सूचना पे पुलिस ने वहाँ पे जाके जब दबिश दी तो जो लोग गोकशी कर रहे थे उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर किया, लेकिन पुलिस ने उनको जो है सूझबूझ से वहाँ पे गिरफ्तार किया। दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें एक का नाम गुल्लू और एक का नाम सद्दाम है, और एक व्यक्ति वहाँ से मौके से भाग गया। वो जो फरार हुआ है उसका नाम इजहार है। तीनों लोग कुलहेड़ी के रहने वाले हैं जिनके कब्जे से 65 किलो गोमांस बरामद हुआ है, एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा जो कि इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया था वो खोखा उसमें बरामद हुआ है, और एक चाकू बरामद हुआ है। इनको जो है मौके पर गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है।